जनपद में गुरुवार को 72 केंद्रों पर 14,038 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 10,252 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,786 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि गुरुवार की वैक्सीनेशन में 2 महिला तथा 2 अभिभावक स्पेशल केंद्र बनाए गए थे, जहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, BRD मेडिकल कॉलेज, CSC व PSC सहित 72 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके बचाव के लिए मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंस का पालन करें तथा जिन लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है वह लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। CMO ने बताया कि जनपद में अब तक 9,75,000 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, लाइन में आप लोग लाइन बना कर रखिए। आज हमारे जनरल 72 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें से 2 महिला बूथ स्पेशल महिला बूथ बनाए गए, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए और हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, BRD मेडिकल कॉलेज, संक्रामक रोग चल रहा है। रूरल एरिया में हमारी सभी CSCs पर वैक्सीनेशन चल रहा है। टोटल हमारा 72 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इधर हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या कम हो गई है। हमें सबसे अपील ये है कि सभी लोग अपनी बारी में वैक्सीनेशन जरूर कराएं और अभी कोविड नियमों का पालन करना है। वैक्सीनेशन कराने के बाद भी पालन करना है। लोग मास्क लगा के ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले में बिल्कुल ही ना जाएं। प्रयास देखा जा रहा है कि लोग बहुत ही आराम से निकल रहे हैं, भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं और कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। और अगर लापरवाही करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए लापरवाही ना करें और हम कोरोना को भगाने में सहयोग प्रदान करें। अभी तक हमारे जनपद में 9,75,000 के पास वैक्सीनेशन हो गया है और एक दो दिन में हम 10,00,000 के ऊपर क्रॉस कर जाएंगे।